एक तो स्कीम का नाम बताओ, आपके घर में भी आता होगा कोई स्कीम, जनधन योजना, ठीक है, और उज्ज्वला योजना। तो ये जैसे स्कीम है ये हर घर पे पहुंचे, ये सबको मिले, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस एरिया का कोई भी प्रॉब्लम होगा कौन हैंडल करेगा, एक आई एस अधिकारी हैंडल करेगा, ठीक है। तो योजना जैसे कि सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही, सबके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, जिस जगह पर पुलिस है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे लड्डू को कोई प्रॉब्लम है पुलिस स्टेशन में, वो काम भी ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी आई एस हैंडल करेगा, ठीक है। तो सारा पुलिस उसके अंडर आएगा, सारा रेवेन्यू, ठीक है, उसमें सारी स्कीम्स। फिर जैसे जैसे आई एस बढ़ेगा, अभी जैसे मेरा स्टार्टिंग का ये हो रहा है ना, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये स्कीम बनाने का था कि देश में ये स्कीम चलनी चाहिए, यहाँ पर ये स्कीम आनी चाहिए, यहाँ पर यहाँ पे स्कूल खड़ा होना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल आना चाहिए, ये सारा काम भी आई एस देखेगा। और ये आना तो चाहिए, उसके बाद उसके पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उनको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बच्चे लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, कोई ज़बरदस्ती की शादी तो नहीं करा रहा लड़कियों की, ये सब काम भी आई एस के अंदर आता है, ठीक है। तो अब सबको पता है आई एस क्या होता है, ठीक है। और जहाँ तक इंजीनियरिंग और एमबीए का सवाल है, तो कई बार ये भी होता है कि मम्मी पापा को लगता है इतना बड़ा पेपर है, इससे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं बोलती थी कि मैं कर लूँगी, इंजीनियरिंग के बाद ही पेपर देखे तो हो जाएगा, तो फिर उनको लगता था, डर लगता था कि पता नहीं नहीं हुआ तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तो उन्होंने बोला एमबीए भी करो, फिर एमबीए भी किया, तो उसके बाद मेरा मन था कि एक बार पेपर देना ही है। फिर अब जब मैंने मम्मी पापा की सारी बातें सुन ली थी, इंजीनियरिंग भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया, तो मैंने अपनी मन भी करी और फाइनली ये हो गया। तो ठीक है, अपने सपनों पर विश्वास भी रखना चाहिए और अंदर से पता होना चाहिए, ये उपयुक्त होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, चाहे मम्मी पापा बोले कि तुम नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर अपने को लगता है ना कि कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें और तो जैसे आप अभी 12th का बोर्ड दिए ना, तो अभी आपको यूपीएससी में बैठने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो चाहिए, तो अब आप 3 साल का भी कर सकते हैं, 4 साल का भी कर सकते हैं। तो अभी से अगर आपको क्लियर है कि आपको यूपीएससी देना है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना ग्रेजुएशन थोड़ा वैसे भी रख सकते हैं जो आपको ऑप्शन सब्जेक्ट यूपीएससी में ले सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। मेरे साथ ऐसा था कि मैं कंप्यूटर साइंस थी और वो ऑप्शनल यूपीएससी में है नहीं, फिर मैंने फाइनेंस किया वो ऑप्शनल भी यूपीएससी में है नहीं, तो मुझे बिल्कुल ही अलग ऑप्शन लेना पड़ा। पर कई लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में ही जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी करके यूपीएससी में, तो दो पेपर हमको ऑप्शनल लेने पड़ते हैं। तो आप अपना ग्रेजुएशन उस हिसाब से भी कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए कि आपको किस फील्ड में करना है, जो आपको इंटरेस्ट कम हो, आप इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल और सिविल से भी कर सकते हैं, मैथ्स पसंद है मैथ्स से भी कर सकते हैं। और अगर आपको इतना अभी शौक है कि आपको यूपीएससी करना है, तो थोड़ा बहुत आपको अखबार पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत जानकारी रखिए दुनिया की कि क्या हो रहा है, थोड़ा बोलते हैं ना कि कुछ हुआ न्यूज़पेपर में आया हमें नहीं पता, तो फटाफट हमने देखा कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ, अगर आप वो रखेंगे ना अपने अंदर तो सब कुछ बहुत आसान है। देखिए कोचिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत लिमिटेड ही काम करती है, क्योंकि टीचर्स हैं उन सबको सारे लोगों को पढ़ाना है, वो पूरा 100% तो नहीं पढ़ा सकते, तो चाहे अच्छी से अच्छी कोचिंग हो, अच्छे से अच्छा टीचर हो, वो आपको 40-50% भी पढ़ा सकता है ना, और 40-50% आपको बहुत अच्छा पढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा। तो क्या होता है कि लोग पहले अटैम्प में भी करते हैं और कई लोग 5-6 के बाद भी नहीं होता, तो मेरी पहले अटैम्प में कुछ गलतियाँ थी, तो मुझे लगता है उसकी वजह से नहीं हो पाया, अगर कोई
कि इंडस्ट्री में हाई लैब का या प्रोडक्टिविटी लैब का फिर शिक्षक का कैसे हम अगर आप बता सकते हैं कौन से ऐसा क्या होना चाहिए। वो तो वैसे भी खुश होंगे आप उनके बच्चे, ठीक है। तो बस एक ये रीज़न
पड़ता है. आजकल तो बहुत ईजी है डिस्ट्रैक्ट होना, सबके पास फ़ोन है, हर 10 मिनट पढ़ते हैं फ़ोन चला लेते हैं. तो उस टाइम पे तो फ़ोन आपको बिल्कुल सही करके रखना चाहिए. आप ये सोचिए ना 24 घंटे, अगर मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, फिर भी मेरे पास 8 घंटे उसमें चला लूँगी फ़ोन. तो जब जो 8 घंटे आप पढ़ रहे हो उसमें ना पढ़ पा रहे हो, ना फ़ोन देख पा रहे हो, ना खेल पा रहे हो, ना दोस्तों से बात कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा. तो आप जो 8 घंटे पढ़ रहे हो उसको सिर्फ पढ़ाई करो, 8 घंटे सो रहे हो उसमें सिर्फ सो, और जो 8 घंटे आपने अंगले रखे हैं उसमें आप बाकी चीज़ें करो. जैसे मैं अगर खुद का बोलूँ तो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था कि फेसबुक चला लिया या फ़ोन चला लिया. तो मैंने कहा जितना भी सोशल मीडिया, कितने लोग हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक फेसबुक चलाते हैं जो Yeah.
आपके लिए इजी होगा क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड में ना है। तो प्रीलिम्स का पेपर जैसे कोई मैंने बोला कि आप बहुत सारे जो टेस्ट देंगे पेपर देंगे और अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। तो आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया, सिलेबस जरूर देखते रहिए, सिलेबस से जो भी सिलेबस में लिखा है बस उतना ही पढ़िए। जब वो पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चन लगा के देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चन नहीं हो रहे का मतलब आपको वो टॉपिक समझ में आया तो आप किताब खोल के वापस खुद से नहीं पढ़ लो, ये नहीं कि फिर से पूरा पढ़ लिया। तो बुक लिस्ट तो मैं आपको बता ही दूंगी, बट मैं यही बोलूँगी कि एक ही बुक फॉलो कर लो। मतलब कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़े, दो और किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। एक और चीज़ और होगी उस बुक में, पर आपको एक अलग किताब को पढ़ने के लिए 3 घंटे और लगा देगा और आप जितने लोगों के सुनेंगे उतना आप और कर लेंगे। तो कोई एक बुक लीजिए, उसी को पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए कि आपको याद हो। ऐसा नहीं कि आज लक्ष्मीकांत पढ़ी, कल जी के बाद भी पढ़ ली और फिर पॉलिटी की एक तीसरी चौथी किताबें पढ़ ली तो कोई भी याद नहीं हो। जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी तो मैं मजाक नहीं कर रही, 10 से 15 बार पूरी पढ़ी, ठीक है। तो एक ही किताब पढ़ी मैंने, आगे कोई पढ़ी नहीं, ना मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, ना मैंने कोई और किताब पढ़ी नहीं, एक लक्ष्मीकांत पढ़ी पर 15 बार। तो अगर आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ेंगे ना तो वो याद रह जाएगी, ठीक है। और उसी चीज़ को पढ़ने में फिर कम टाइम लगेगा। पहले जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो 2 महीने लगे एक बार पढ़ने में अच्छे से, और आते आते एंड का 1 घंटे में भी लक्ष्मीकांत हो जाए, ठीक है। तो आप बार बार पढ़ेंगे तभी वो आ पाए। तो बुक तो आपको कोई भी बुक उठा लीजिए, सब लोग बुक्स बताते हैं, तो कोई भी बुक उठा लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद करिए, फिर क्वेश्चन लगा के देखिए क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा। क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वहीं पर बुक पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा पढ़िए, उसको पढ़िए और वापस से क्वेश्चन करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो बच्चे स्कूल में इंजीनियरिंग का पेपर देंगे, कैट का पेपर देंगे या यूपीएससी का पेपर देंगे, अगर आपने कोई गलती की है क्वेश्चन में घर पर बैठ कर तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये क्वेश्चन अगर फिर से फाइनल पेपर में आए तो फिर से वो गलती नहीं करें, है ना। तो फिर फ़ायदा क्या होगा कि घर पर भी गलती करी और गलती से सीखे भी नहीं, वहाँ पर जाकर फिर से वो गलती करें। तो अगर एक बार आप गलती कर रहे हैं कहीं उसको लिख लीजिए, ठीक है, कि ये गलती की थी ये फिर से नहीं करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गलतियाँ करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम वो सारी गलतियाँ फिर से ना करें। तो आप जितनी गलतियाँ घर पर कर पाएंगे उतना बेटर है क्योंकि आप वो सारी गलतियाँ फिर जाते हैं, ठीक है। तो आप चाहे प्रीलिम्स हो तो आप सारे क्वेश्चन करिए, गलतियाँ नोट डाउन करिए ताकि वो फिर से ना हो। मेन्स को आप सिलेबस देखिए, वो पढ़िए, क्वेश्चन लिखे देखिए, अगर गलत हुआ तो आप नोट डाउन करिए कि ये गलत क्यों हुआ ताकि मैं एग्जाम में ये गलत फिर से ना करूँ। तो यही है, चाहे प्रीलिम्स हो मेन्स हो इंटरव्यू में अगर कोई मॉक क्वेश्चन पूछा है आपने गलत जवाब दिया है तो आप नोट करें कि अब फिर से अगर मुझसे पूछा गया तो मैं यही गलत जवाब डाल दूँ, अब मैं सही हूँ। स्टूडेंट वॉन्ट टू बिकम IAS फ्रॉम टेंथ, हाउ शुड दे प्रिपेयर टेंथ सेल? तो मैंने जैसे अभी आपको ये बताया था मुझे कॉलेज में आपको बहुत छोटा लगे स्कूल में 11, तो पहले तो आप अपना स्कूल का खत्म करिए, फिर ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के एंड में आप दे पाएंगे। तो अगर आप अभी से ये सोचे रहेंगे तो आप ना स्कूल का अच्छे से कर पाएंगे, और स्कूल को ख़त्म करना ही है ना चाहे कोई भी फील्ड हो, फिर ग्रेजुएशन तो अच्छे से करनी है क्योंकि ग्रेजुएशन भी मिनिमम है पेपर देने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया जब पर्सनालिटी टेस्ट होता है तो सिर्फ वो ये नंबर नहीं देखते क्योंकि बहुत लोग IIT से भी आते हैं, बहुत ऊपर नंबर लेकर भी आते हैं, मतलब होता है लोगों के बोर्ड में 90 90 90, फिर भी उनका नहीं होता क्योंकि वो सारी चीज़ें देखते, ठीक है। तो आप अभी स्कूल में आप अच्छे से पढ़िए, स्कूल का पेपर दीजिए, ठीक है। कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में सब कुछ करना है, क्लास भी लगानी है, दोस्त भी बनाने हैं, खेलकूद भी करना है, फिर फाइनल बस ये है कि आप थोड़ा सा बोल रखिए जैसे कहते हैं ना जिज्ञासा रखिए कि सीखने कुछ नया मिल रहा है तो सीखिए, ठीक है। तो अगर आपके पास वो होगा एंड में जब आपको पेपर देना होगा उससे 1 साल पहले आप पेपर के तैयारी करेंगे। देखिए मैंने जैसे बताया जिस जॉब में मैं थी उसमें
कार कैसे भी आ सकती है, आपकी पढ़ाई से भी आ सकती है, पैसे से भी आ सकती है। मेरा ये रीज़न था कि मेरे को लगता था जॉब में मैं सिर्फ एक तरीके का काम करती हूँ, मेरे को मन था कि मैं बहुत सारे तरीके का काम करती हूँ। जैसे मैंने बताया आईएएस में आप हर चीज़ के इंचार्ज होते हैं अपने अंडर, तो अगर आपको कोई चेंज लाना है तो आप वो कर सकते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा बॉस नहीं है। तो अगर मुझे लगता है कि एजुकेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे पास वो पावर है कि मैं उसको बदल सकूँ, है ना। मैं एक जॉब करते करते लोगों के लिए वो नहीं कर सकती, बस मेरा इतना ही कि मेरे को आई एस इसलिए मैं स्टडी तो दूसरी
अलग रोल मॉडल भी हो सकता है आप किसी से पढ़ाई में इंस्पायर होते हो सकता है आप किसी से खेल में इंस्पायर होते हो अलग रोल मॉडल्स भी हो सकते हैं दो तीन हो सकते हैं पर रोल मॉडल तो होना जरूरी है ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता होगा बॉस तो होता ही है आईएसपी पर भी पॉलिटिशियंस होते ही हैं तो मैम उनका इंटरफेरेंस होता है आपके कोई डिसीजन पे और अगर होता है तो कैसे आप डील करेंगे वो इंटरफेरेंस होता ही है अगर इंटरफेरेंस है वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने अपने ऊपर अथॉरिटी ले सकते हैं कि आप उनकी बात माने या नहीं अगर गलती कुछ गलत करने का बोल रहे हैं तो सिविल सर्वेंट के पास ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें ये दी गई है कि आप अपनी चीज़ कर सकते हैं आप अपने पॉलिटिशियन को या MLA MP को भी मना कर सकते हैं कोई गलत काम से और आपके वो प्रोटेक्शन है कि आप कि वो आपको हटा नहीं सकते क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट सीधा प्रेजिडेंट से आती है तो अगर कोई कुछ बहुत ही गलत करने को बोल रहे हैं तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आइए ना कि नहीं ये गलत है अपने अंदर होनी चाहिए ना जैसे छापी नहीं करना है तो आप मना कर सकते हो कोई आपको रोकेगा नहीं ठीक है पर अगर वो कुछ सही बोल रहा है तो अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं अगर कोई वो अच्छी चीज़ बता रहा है और मैं अड़े रहूँ वो भी गलत है अगर वो कुछ बेटर बता रहा है तो मैं अपनी गलती मानती हूँ उसकी बात भी मान सकती हूँ तो वो तो अपने ऊपर है और जितना अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा ट्रेनिंग होता है अभी एक साल तो पढ़ाई यहाँ पर भी ख़त्म हुई नहीं है अभी एक साल और ट्रेनिंग होगा वहाँ